कैसी लगी नाइस मूवी सुपर फिलोक एक नंबर बहुत ही प्यारी पिक्चर थी अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह मजा आया अच्छी नहीं लगी भाई बहुत अच्छी लगी बहुत शानदार वेरी गुड मूवी बहुत शानदार फिल्म थी मजा आया देख के जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस मज़ा आ गया वाकई में मतलब देखें अगर आप तकरीबन शायद 2.5-3 घंटे की फिल्म थी तो बहुत मज़ा आया एकदम मतलब बिल्कुल भी बोरिंग वगैरह कुछ नहीं लगा सलमान भाई की शानदार परफॉर्मेंस और मतलब ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले इवन कैटरीना कैफ के भी एक्शन सीन काफ़ी देखने को मिले मतलब पहली दो फिल्मों में तो अगर हम देखें टाइगर में और टाइगर जिंदा है दोनों में ही तो उतने एक्शन सीक्वेंस कैटरीना कैफ के तो है ही नहीं लेकिन इसमें काफ़ी कैटरीना कैफ भी एक्शन देखने को मिल रही है और सबसे बढ़िया जो मुझे लगा इमरान हाशमी मतलब मज़ा आ गया इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस देख के भी उनकी डायलॉग डिलीवरी वगैरह बहुत बढ़िया टॉप नॉच मतलब पावरफुल फिल्म है और पावरफुल परफॉर्मेंसेस है सभी की मतलब मैं कहूँगा अगर आप सलमान खान देख ले इमरान हाशमी ले लें कैटरीना कैफ ले लें मेन कास्ट जितनी भी इन सबका अगर आप देख ले तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और ऑब्वियसली बात है फिल्म के अंदर सरप्राइजेस भी हैं क्योंकि स्पार यूनिवर्स से रिलेटेड फिल्म है तो और मज़ा आ ही जाएगा और मतलब आपको इंटरवल और इस समय वक्त तक तो मतलब बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको ज़बरदस्त सेकंड हाफ तो और ही बेहतर है और ही मज़ेदार है मतलब फर्स्ट हाफ में तो फिर भी थोड़ी सी कहानी ऐसी चलती है कि आपको वो जो टाइगर का मैसेज में मालूम था उसी प्रकार से कहानी चल रही है वही चल रहा है लेकिन सेकंड हाफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आना चालू होते हैं वो और मज़ेदार लगते हैं तो ओवरऑल फिल्म मतलब बहुत ही मज़ेदार बहुत ही बेहतरीन फुल ऑन एक्शन पैक्ड थी तो मुझे तो प्रॉपर ये फिल्म बहुत मज़ेदार लगी मुझे लगता है ऑडियंस को बिल्कुल पसंद आएगी और सरप्राइजेस है इसका स्पाई यूनिवर्स से रिलेटेड तो वो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा आके थिएटर में देखो तभी मज़ा आएगा तो ओवरऑल ज़बरदस्त फिल्म है और ऑडियंस सभी को देखना चाहिए।